देश की कई सारी धरोहर विश्व जानने के लिए लालायित है। जब हम कहते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस और मेडिकल की पढ़ाई हमारी भाषाओं में होगी, पूरी दुनिया ढूंढने आती है, कैसे होगी? मैंने दो लोग मुझे मिलने आए थे, मैंने कहा एक भाषा में नहीं होगी, 18 भाषा में हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा हमारे यहाँ माध्यम होता है, अभिव्यक्ति का मूल चीज इसका इंटेलेक्चुअल पावर है, वो चीज हम शब्दों से समझते हैं। अध्यात्म से आयुर्वेद तक, सोशल साइंस से लेकर सोलार तक, मैथ से लेकर मेटावर्स तक और शून्य से अंतरिक्ष तक, हर जगह आज भारत का दबदबा समग्र विश्व के सामने हम देख रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मान कि नरेंद्र भाई ने कहा है ये अमृत काल की शुरुआत, आजादी के 75 साल समाप्त हुए, 75 साल से 100 साल जब 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा, कोई क्षेत्र विश्व में ऐसा नहीं होगा जहां भारत विश्व में सर्वप्रथम नहीं होगा। ऐसे भारत की रचना का संकल्प आज देश की जनता कर आगे बढ़ रही है। और मित्रों, कई सारे संत यहां पर बैठे हैं, कई संतों ने वर्षों से कई प्रकार की तपस्याएं, उपासनाएं, प्रार्थनाएं करी कि इस देश का स्व जागृत हो, इस देश अपनी चीर पुरातन सनातन संस्कृति की ओर मुड़े, मगर ये संभव नहीं होता। 550 साल से जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था वो पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया गया था, हम इसका पुनर्निर्माण नहीं कर पाते थे, अदालतों में केस को सुलझाए गए, उलझाए गए, लटकाए गए। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनी, संतों का आशीर्वाद रहा, संतों की प्रेरणा रही, सारे मार्ग निष्कंटक होकर 22 जनवरी को रामलल्ला अपने घर में फिर से विराजमान है। और ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि रामलल्ला की अपने घर में पुनर्स्थापना और भारत के अमृत काल की शुरुआत, ये संयोग नहीं है, एक कुदरत का इशारा है कि भारत का स्वर्णिम समय ये 25 साल में आकर भारत सर्वप्रथम बनने जा रहा है, ये इसका इशारा है। हमारे योग को, हमारे आयुर्वेद को विश्व के अंदर आज स्वीकृति मिल रही है, समग्र दुनिया योग और ध्यान को, हमारे आसनों को आश्चर्यचकित होकर दवाई वगैरह के मानव जीवन की कल्पना को साकार करने में लगी है। हमारे वेद, उपनिषद और हमारे दर्शन के सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को पूरा विश्व समझने के लिए लालायित, और उसी वक्त रामलल्ला अपने घर में विराजमान होंगे। मोदी जी 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर संतों की उपस्थिति में करेंगे। ये पूरे देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है, केवल अयोध्या नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर, इसका कॉरिडोर पुनर्निर्मित हुआ है, उज्जैन में महाकाल लोक बना है, बद्री धाम और केदार धाम का पुनर्निर्माण हुआ है, सोमनाथ का मंदिर अनेक बार लूटने के बाद फिर से एक बार सोने का बनाने की शुरुआत हो चुकी है, और गुजरात के पावागढ़ पर सालों के बाद फिर से शक्तिपीठ की स्थापना भी हुई। ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत एक शुभ संकेत है। और मैं आप सभी को निश्चित रूप से बताने चाहता हूं कि कई कवियों ने गाया कि भारत सोने की चिड़िया थी, मगर वो हमारे लिए भव्य भूतकाल था। आज 2014 में देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ
24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, 27 में दुनिया के तीसरे नंबर का अर्थतंत्र भारत बन जाए। नई शिक्षा नीति को अगर बारीकी से कोई देखेगा तो नई शिक्षा नीति हमारी चिर पुरातन शिक्षा परंपरा में से प्रेरणा लेकर बनी है। वो आधुनिक तो है, आधुनिकता के सारे रास्ते खुले हुए, खुलापन है, समग्र विश्व की अच्छाइयों को स्वीकारने का वेद के मंत्रों का इसके अंदर दर्शन होता है। आधुनिक से आधुनिक शिक्षा नीति है, परंतु इसका मूल भारतीय शिक्षा परंपरा से बना हुआ है। ये बरोबर नरेंद्र भाई का आग्रह के कारण बना है। मित्रों, मुझे मालूम है नई शिक्षा नीति से पढ़े लिखे जो बच्चे, जो भारतीय युवा आएंगे, वो बाबू नहीं बनेंगे, वो भारतीय बनेंगे और महान भारत की रचना का स्वप्न वो साकार करेंगे। मित्रों, आज सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बनने की ओर हम आगे जा रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया में तीसरे नंबर पर हम खड़े हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में तीसरे नंबर पर खड़े हैं और सुरक्षा के मामले में आज भारत को कोई शंका की दृष्टि से नहीं देख सकता। सालों से धारा 370 का कलंक हम धोते आए हैं, जहां से अलगाववाद और आतंकवाद का जन्म होता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से बिल लाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जिनको आदतें पड़ी थी, इनको एक कठोर संदेश भेजा है कि भारत की सेना और भारत की सीमा के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, वरना जवाब मिलेगा, जवाब घर में घुस कर दिया जाएगा। ये परंपरा नरेंद्र भाई ने खड़ी की है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, नक्सलवादी क्षेत्रों के अंदर हमने कई सारे सुरक्षा के छेद थे, इसको भरने का काम किया है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगभग 9000 हमारे ही बच्चे जो विदेशियों के इशारे पर हथियार लेकर चलते थे, उनको सरेंडर कराकर आज वो बच्चे चुनाव लड़कर विधानसभाओं में और जिला पंचायतों में बैठकर नॉर्थ ईस्ट का भविष्य संवार रहे हैं। तो शांति और सुरक्षा, ये दोनों को हमारी संस्कृति के हिसाब से मोदी जी ने व्याख्यायित किया है। पड़ोसियों के साथ हमें बहुत अच्छे संबंध चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ हम समझौता करेंगे। पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध जरूर चाहिए, अच्छे से अच्छे संबंध जरूर चाहिए, मगर सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का किसी को इजाजत नहीं है। इस प्रकार की बैलेंस रक्षा नीति की रचना नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुई है। आज मैं यहाँ आया हूँ, स्मृति महोत्सव है। एक ऐसा जीवन जिसने पूरा जीवन में सरलता, भक्ति और कर्मठता का संदेश दिया, इसको हम सब आज प्रणाम करते हैं। और माधव प्रियदास स्वामी के नेतृत्व में राजकोट गुरुकुल के, स्वामीनारायण गुरुकुल के सभी संत वृंद को भी मैं फिर से एक बार प्रणाम करना चाहूँगा। आपने जिस निरपेक्षता के साथ समाज की सेवा का यज्ञ अविरत चालू रखा है, इससे समाज को तो फायदा हुआ ही हुआ है, देश को बहुत अच्छे नागरिक देने का आपने प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा को आपने आगे बढ़ाया है। विद्वान से विद्वान मगर जेन्युइन से जुड़े हुए नागरिक यहाँ से आपने देश को देने का काम किया है। मैं समग्र गुजरात और देश की जनता की ओर से आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम कर धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। मुझे यहाँ बुलाया, संतों ने आशीर्वाद दिए, संतों ने स्वागत भी किया, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। इसके लिए भी धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को जय स्वामीनारायण।